वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट वन पक्का से देख ले। क्यों? क्योंकि पार्ट वन पे हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे जो हम थ्योरी यूज़ करने वाले हैं, उस थ्योरी के ऊपर डिस्कशन किया था। क्लियर? तो एक बार आप लोग अगर वो लेक्चर देख लेंगे तो आप लोगों की थ्योरी अच्छी हो जाएगी, और अगर आप लोगों की थ्योरी अच्छी होगी तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स पे करेंगे, उन क्वेश्चंस पे आप लोगों की अच्छी पकड़ रहेगी। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटर यही होगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोगों का लेक्चर नंबर वन है। जैसे जैसे हम लोगों के लेक्चर नंबर टू है। पहला लेक्चर तो थियोरिटिकल ही था, ठीक है। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोगों के लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लेक्चर्स के क्वेश्चंस के लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस से आपके एसएससी सीजीएल के प्री पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कभी कभी मेंस पे भी आ जाते हैं, बट जनरली प्री पे इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर वन। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर, ठीक है। वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, वो पैसा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो क्या हो, 25 साल में 3 गुना हो जाए। क्लियर? देखो मतलब वो बोलना क्या चाहता है, ठीक है। मेरे पास जो पैसा है दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, पर एनम, सच दैट कि जब टी इज इक्वल टू 25 ईयर्स हो जाए, मतलब 25 साल बाद ये जो पैसा था पी, पी इज द प्रिंसिपल, जो मेरे पैसा था वो कितना हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 3p हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? मेरे पास जो पैसा था वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 25 साल पे 3 गुना हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल जो आपके पास पैसा है दैट इज योर प्रिंसिपल, और फाइनली जो आपके पास पैसा आ जाता है दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था, क्लियर, कि इनिशियली जो आपके पास है दैट इज प्रिंसिपल, और फाइनली जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इनिशियली आपके पास जो भी अमाउंट है दैट अमाउंट इज प्रिंसिपल, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगा, ठीक है, या डेप्रिशिएट हुआ, कुछ भी होगा, जो फाइनली आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी होगी दैट इज योर अमाउंट। क्लियर? हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना परसेंटेज में, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाइंग फैक्टर,
सॉरी 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है, आर लिख दिया यहां पर, वहां पर हम लोगों ने लिखा था गेन या लॉस लिखा था, तो सेम चीज है यहां पर क्या होता है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन होता है, वही है फाइनल क्वांटिटी क्या है, फाइनल क्वांटिटी इज अमाउंट, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी इज प्रिंसिपल, क्लियर, तो इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब दूसरा बात मैंने आप लोगों को बताया था कि अमाउंट क्या होता है, हमेशा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप लोग क्या लिखोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर, ओके। अमाउंट कितना है फाइनली, 3p, प्रिंसिपल क्या है, p, तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास SI कितना आ जाएगा, SI हो जाएगा आपके पास 2p, क्लियर, SI कितना हो जाएगा 2p, और आप लोगों को पता है SI क्या होता है, SI होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे p इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंटू टी, टी कितना है 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2p, क्लियर, यही तो लिख सकता हूं ना मैं SI पे, सही तो यही है, क्लियर, बस तो ये यहां पे सॉल्व हो गया, देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 25 वन जा 25 फोर जा, ये 4 यहां पर गया 8, तो r कितना आ गया मेरे पास, r आ गया मेरे पास 8%, क्लियर, ठीक है। देखो एग्जाम्स पे जब ये क्वेश्चन आने वाला है तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं करना वहां पर, इतना आप लोगों को ये सब अपने क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग पे ये सारे स्टेप हो जाने चाहिए, ठीक है ना, पेपर में तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये लिखना है p इंटू आर इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2p, ये 2p कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि अमाउंट होता है फाइनली, इनिशियल क्या है, प्रिंसिपल है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आप बोलोगे 2p, SI इज इक्वल टू 2p और SI को ये लिखोगे, तो एग्जाम्स पे तो आप लोगों को डायरेक्ट ये स्टेप लिखना आना चाहिए, ठीक है, यहां पर तो मैंने आप लोगों को थॉरली पूरा स्टेप समझाया है, क्यों, क्योंकि आप देखो जो वीडियोस देख रहे हैं उस पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अभी रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोगों को तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होता है, क्लियर, ओके, ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम विच अमाउंट टू, बोलता है एक सम है, मुझे नहीं पता वो सम क्या है, बट हाँ इनिशियली वो सम है मेरे पास, तो दैट सम विल बी माय प्रिंसिपल, द सम विच अमाउंट टू रुपीज, इतना कितना बन जाता है 364.80, इतना बन जाता है फाइनली, इतना बन जाता है बोल रहा है, तो ये क्या हुआ फाइनली जो होता है दैट इज योर अमाउंट इन 8 years, कितने टाइम में हो रहा है ये काम, एट ईयर्स पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 3.5%, क्लियर, ये दिया है आपको, क्लियर, देखो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, वो आपको निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, क्लियर, और क्वेश्चन किस पे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता है अमाउंट क्या होता है, आप लोगों को पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर,
तो आप लोगों को पता है अमाउंट कितना है? देखो अमाउंट है 364.80 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल, तो निकालना है, प्लस एसआई क्या होता है? एसआई होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज पी इंटू आर, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कितना है 3.5 इंटू टी, टी कितना है 8/100, ठीक है ना। तो देखो क्या करता हूँ, मैं इससे हटा देता हूँ और नीचे क्या बना देता हूँ, 100 बना देता हूँ, क्लियर। तो ये हो जाएगा 364.80/100 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हो जाएगा 100p प्लस 8 × 3.5। देखो कैसे करोगे, 8 3 जा 24, 8 × 0.5 4, 8 का आधा कितना होगा 4, तो 24 + 4 28, 28 प्लस ये जो 100 आया तो ये कितना आ जाएगा 128p/100। दिस 100 विल कैंसिल आउट विद दिस 100 ऑन सॉल्विंग, तो आप यहां से बोलोगे p इज इक्वल टू 364.80/128। क्लियर, इसे काट के देखना तो आई गेस 128 285 आना चाहिए। ठीक है, बाद में मैं आप लोगों की वैदिक मैथमेटिक्स की भी थोड़ी सी क्लास लूंगा, सच दैट कि आप लोगों का कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। क्लियर, आप लोगों को ऑप्शंस देखकर ये सारी चीज आप लोगों को पता चल जानी चाहिए पेपर में, ठीक है ना, फटाक से पता चलना चाहिए, क्लियर, वो पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ही इजीली आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल पे ही पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, क्लियर। देखो क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर, मतलब एक प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने बोल दिया पी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मतलब इनिशियली पी अमाउंट है और फाइनली ये कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3p हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, और ये फाइनली हो रहा है, तो ये फाइनल वाला जो होता है वो क्या होता है, योर अमाउंट इन 5 ईयर्स, कितने टाइम में हो जा रहा है, टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स पे ये काम हो जा रहा है, इन हाउ मैनी, मतलब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, इन हाउ मैनी ईयर द सेम सम, ठीक है, विल बिकम 6 टाइम एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले मुझे यहां से आर निकालना है, उसके बाद इसी आर पे, ठीक है, कितने टाइम बाद ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले, सबसे पहले मैं यहां से आर निकाल लेता हूं, ठीक है, आर निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, आप लोगों को पता है क्या, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, 3p इज इक्वल टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी इज 5/100, तो ये क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू 5/100, p से p कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 20। तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो, आर कितना है आपका 40%, क्लियर। अब आप लोगों को आर पता चल गया 40% है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट पे क्या बोलता है, इन हाउ मैनी इयर्स, कितने साल बाद, इन हाउ मैनी इयर्स
विल द सेम सम, जो सेम सम है मतलब जो प्रिंसिपल है पी, जो ये प्रिंसिपल है बिकम सिक्स टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा फाइनली बोल रहा है ये सिक्स टाइम मतलब सिक्स पी हो जाएगा, और ये सिक्स पी फाइनली है तो फाइनल को क्या बोलता हूँ मैं, अमाउंट बोलता हूँ, मुझे पता है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40 है, तो इस केस में अब मुझे उसने पूछा है कितने टाइम बाद ये काम होगा, क्या तो सेम से वही करना है। ठीक है, देखो आपको पता है क्या सेम चीज, आपको पता है जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिप अमाउंट कितना है इस केस में 6p, प्रिंसिपल कितना है p प्लस एस आई क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट इज 40 इंटू टाइम, टाइम इज टी अपॉन 100, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 5p इज इक्वल टू पी इंटू 40 इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट। ठीक है, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, क्लियर, और टू जा 5 जा, तो टी कितना आ जाएगा आपके पास 25 बाय 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 12.5। यस, इसका मतलब 12.5 साल बाद ये जो अमाउंट था, जो अमाउंट था पी, वो कितना बन जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा जितना वो पहले था। क्लियर हो गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख, अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1350 इन 5 ईयर्स। मुझे नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, बट मुझे पता है कि क्या 5 साल बाद, ये कितना हो जाने वाला है 1350 हो जाने वाला है, इसका मतलब ये मेरा अमाउंट है। क्लियर, यही बात तो बोली उसने। ठीक है, तो आप लोग यहां पर वही फंडा लगा लो, आप लोगों को पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 1350 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी पता है मुझे 5 अपॉन 100। क्लियर क्लियर, अच्छा तो ओके नेक्स्ट देखते हैं। एंड रुपीज 1620 इन 8 ईयर, बोलता है कि यही प्रिंसिपल अगर t इज इक्वल टू 5 की जगह 8 ईयर्स हो तो कितना हो जाता है 1620 हो जाता है। सेम आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट कितना है 1620, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई क्या होगा पी इंटू आर इंटू टी क्या है 8 अपॉन 100। क्लियर क्लियर ओके, अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, या तो देखो आप लोग इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसे आप लिख सकते हो 1350 माइनस पी इज इक्वल टू दिस और 1620 माइनस पी इज इक्वल टू दिस। उसके बाद इसे डिवाइड कर दोगे आपस में तो पी आर वाला फैक्टर खत्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 100 कैंसिल आ जाएगा, ये 5/8 आ जाएगा और यहाँ पर 1350 माइनस पी अपॉन दिस आ जाएगा, उसे सॉल्व करोगे उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो क्या कर सकते हो इस इक्वेशंस को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ 2-1 कर देता हूँ। ठीक है, तो 2-1 करूंगा तो देखो क्या होगा, इसका मतलब p प्लस पी इंटू आर इंटू 8/100 इज इक्वल टू 1620। और यहाँ पर क्या होगा p प्लस पी इंटू आर इंटू 5/100 इज इक्वल टू 1350। आपको क्या करना है, इसे सबट्रैक्ट करना है। दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है, और 8 और 5 कितना हो गया, ये 3 पी आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, देखो 0 में से 0 गया 0, 6 के बदले 5 रह गया 12, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 3 1 जा 3 9 जा, तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9000। अब पी आर इज इक्वल टू 9000 आप कोई से भी इक्वेशंस पे डाल दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देता हूँ पी आर इज इक्वल टू 9000, तो ये क्या बन जाएगा 1350 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी आर की जगह डाल दिया 9000 इंटू 5/100, दिस कैंसिल आउट, 19 into 5 450, तो ये हो जाएगा 1350 इज इक्वल टू पी प्लस 450, और यहाँ से पी आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, पी पी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 900, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आप उसे वैसे कर सकते थे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक और कंसेप्ट सिखाया था, मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों के आगे आने वाले क्वेश्चंस पे यूज होंगे, इसलिए मैं उसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, क्या बात बताया था, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, मतलब अगर पहले साल में 50 रुपये एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में भी उसी के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्लियर, तो देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो देखो 5 साल में कितना मिला 1350। ठीक है, और 8 साल में कितना हुआ 1620। ठीक है, इसका मतलब 3 साल में कितना रहा होगा,
3 साल में कितना रहा होगा? 270। क्लियर? इसका मतलब 1 साल में कितना रहा होगा ये? 90। ठीक है, इसका मतलब 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 90 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो 5 साल में आप लोगों को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? 450 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब जो 1350 था, इसमें से अगर मैं जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है 5 साल में, 450 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, और मेरा आंसर आ जाएगा उससे कितना? 900। क्लियर? समझ में आया ना आप लोगों को? मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। उसने मुझे बोला कि 5 साल में तो वो 1350 हो जाता है, और 8 साल में कितना हो जाता है? 1620। इसका मतलब 3 साल पे मुझे 270 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, अब मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर मिलता है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर साल का कितना है? 90 रुपये है, मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब 5 साल बाद ये 1350 हो रहा है, तो मुझे पता है कि 1 साल में मुझे 90 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और मुझे ये बात भी पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, तो 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 450 रुपये। और 1350 क्या है? 1350 इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और मैं बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट उस पर 450 है, तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कुछ नहीं, 900 रुपये है। ठीक है, करने को तो आप इसे वर्बली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ये इसका पूरा अप्रोच भी मैंने बता दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन जो मैंने आपको सेकंड अप्रोच बताया, ये अप्रोच, इस अप्रोच पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी कुछ हाई लेवल्स के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस पे भी ये कंसेप्ट वहां पर यूज होगा। क्लियर? ओके, सो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, मोहन लेंट सम मनी, सॉरी सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट ईच फॉर 2 ईयर। इफ द टोटल इंटरेस्ट वॉज 760, वॉट अमाउंट वॉज लेंट इन ईच केस? देखो, अब देखो यहां पर, ठीक है, यहाँ पर वो बार बार आप लोगों को अमाउंट बोल रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो बात कर रहा है प्रिंसिपल की। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि बच्चे लोग क्या बोलते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं कि अगर अमाउंट लिखा है तो वहां पर अमाउंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनिशियली जो पैसा दिया गया दैट इज योर प्रिंसिपल, और वो पैसा जब इंटरेस्ट लगने के बाद दोबारा आपके पास हाथ पे आया, ठीक है, देखो आपने जो पैसा दे दिया दैट इज योर प्रिंसिपल, उस पैसे में जो कुछ भी हुआ, इंटरेस्ट लगा एंड अलाना फलाना जो कुछ भी हुआ, और वो पैसा दोबारा आपके पास आ गया, फाइनली आपके पास आ गया, तो दैट इज योर अमाउंट। क्लियर? अब बोलने को वो इसे भी अमाउंट बोलता है, इसे भी अमाउंट बोलता है, तो उस पर ट्रिक नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, देखो, तो मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। मैं बोल देता हूं कि मानो उसने पी अमाउंट उसने दिया इनिशियली, इनिशियली दिया उसने, लेंड किया, तो ये जो पी अमाउंट उसने इनिशियली दिया है, दिस विल नथिंग बट दिस विल बी योर प्रिंसिपल, नॉट अमाउंट। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो मैंने दिया दैट इज माय प्रिंसिपल, और जब वो फाइनली मेरे पास हाथ पे आता है तब जाके वो अमाउंट बनता है। ठीक है, बट इनिशियली जो पैसा मैंने दिया उसे अमाउंट भी बोल सकते हैं ना, आई लेंड सम अमाउंट। ठीक है, बट मैथमेटिकली दैट अमाउंट इज योर प्रिंसिपल। क्लियर? इस बात को समझना। ठीक है, मोहन लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पी इंटू आर, आर कितना है? 9%, कितने? ईच फॉर 2 ईयर।
फॉर 2/100 ये सिंपल इंटरेस्ट होगा उस पे पहले वाले केस के लिए। सेकेंड वाले केस के लिए क्योंकि उसने इक्वली दिया है तो पी इंटू आर कितना है इस केस में 10 है और टी कितना है 2 है अपॉन 100। ये दोनों केस का सिंपल इंटरेस्ट उसे मिलेगा, पहले केस में इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे केस में इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इफ द टोटल इंटरेस्ट वो बता रहा है दोनों केस का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो वो कितना है 760 रुपए है। क्लियर? तो पूछा है व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस, कितना पैसा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा 9 2 18, 18 + 20 38, 38p अपॉन 100 इज 760। और क्या होता है 38 1 जा 38 20 जा, तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपके पास 2000। तो कितना पैसा दिया गया था, इसका मतलब 2000 रुपये दिए गए थे। क्लियर? क्लियर? ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस यही बात बताने के लिए ये क्वेश्चन को डाला गया था कि प्रिंसिपल को अमाउंट भी कह सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये अमाउंट बोल दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया फिर क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ठीक है, देखो इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल्स इन 5 ईयर्स। ठीक है, ओके, मेरे पास कुछ पैसा है, इनिशियली जो पैसा है दैट इज योर प्रिंसिपल, वो पैसा 5 साल बाद एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल बाद वो पैसा डबल हो जाता है, मतलब 2p हो जाता है। ये क्या है, ये फाइनली हो जाता है वो 2p, तो ये फाइनल अमाउंट जो होता है, फाइनल जो होता है दैट इज योर अमाउंट। एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 times in 12 years। ठीक है, अगर ये R1 है तो बोलता है यही पैसा 8 साल पे कोई दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से R2 पे ये पैसा, सॉरी 8 साल नहीं 1200, 12 साल पे यही पैसा कितना हो जाता है 3 times हो जाता है, 3p बन जाता है। क्लियर? दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर अमाउंट। क्लियर? तो देन द डिफरेंस इन टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R1 - R2 आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है अमाउंट कितना है 2p है, प्रिंसिपल क्या है p, तो आप लोगों को पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 2p है, प्रिंसिपल कितना है p है, प्लस SI क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिमिलरली यहाँ भी लिख दो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है इस केस में 3p है, प्रिंसिपल क्या है p है, और SI क्या है इस पे p इंटू आर कितना है यहाँ पे r, यहाँ पे R2 है, और t कितना है 12 है अपॉन 100 है। क्लियर? तो ये पी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी इंटू R1 इंटू 5/100। पी से पी कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 20 जा, तो R1 कितना आ जाएगा आपके पास, R1 आ जाएगा आपके पास 20%। क्लियर? यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, ये 2p हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू पी इंटू पी इंटू आर टू इंटू 12/100।
ये से पी कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 6 जा 6, 1 जा 6, 16.66। तो यहाँ से आर टू कितना आ जाएगा, आर टू आ जाएगा 16.66%। क्लियर, आर टू कितना हो गया 16.66%। क्लियर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर मैं देखूं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3.33 का डिफरेंस। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3 1/3, विच मीन्स 3.33। क्लियर, ओके। होपफुली आपको ये सारे 6 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए, ये सारे 6 क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक पक्का से कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब होपफुली अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई इन वीडियोज़ से जितना भी हो सके फायदा उठा पाए। क्लियर, ओके, थैंक यू।